हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के लिए क्या करना पड़ता है। हमारे इस देश में बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो कि एक शॉप खोल के बैठे हैं और अपने आप को बिजनेसमैन समझते हैं, पर बिजनेसमैन का मेंटलिटी ऐसा नहीं होता है कि मैंने एक शॉप खोल के बैठ गया, कि मेरा एक प्रॉपर्टी है वहाँ से मैं इनकम कर रहा हूँ कुछ भी। तो एक बिजनेसमैन का सोच इतना स्टेगनेंट नहीं होता है। अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है तो आपका सोच में पहले बात तो फ्री होना पड़ेगा। आपका सोच बहुत ऊंचा होना चाहिए। बस माइंड का ही खेल है, बाकी और कुछ नहीं है। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो है, एक रिच बिजनेसमैन जो है, उनका क्या है, बस एक माइंड है जो बहुत फ्री है। तो आइए देखते हैं कि कैसे एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना जा सकता है और कौन सी ये चीज़ है जो हमें एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए रुकावट खड़ा हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहली बात जो है, अपने बिजनेस मॉडल को ऑटोमेट करना। इसका मतलब यह है कि आप एक काम करते हैं, आप एक प्रिंटिंग बिजनेस में हैं और खुद ऑर्डर लेते हैं, खुद उसको सेल करते हैं, डिलीवरी भी खुद करते हैं, उसके लिए जो भी सामान है मेट्रो सिटी से लाना ये सब खुद करते हैं, तो फिर आपका बिजनेस जो है ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप पूरा का पूरा टाइम जो है आप बिजनेस पे दे रहे हैं, यानी कि 24 घंटा आपका उसी बिजनेस के बारे में ही है और आप कहीं सोच नहीं पा रहे, आपके दिमाग जो है खाली नहीं है। तो इसको ऑटोमेट करने की ज़रूरत है। ऑटोमेट का मतलब यह है कि अपने आप सब कुछ होता रहे, बस आप उसको मॉनिटर करें। जैसे कि आपने एक बंदा रख दिए जो मेट्रो सिटी से जो भी सामान वगैरह है वो लेके आता है और बेचने का भी काम करता है, और एक बंदा और रख लिए जो प्रिंटिंग का काम करते हैं, यानी कि आप कोई भी बिजनेस में हैं उससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि आपका बिजनेस ऑटोमेटिक चलता है। आप सिर्फ ऑर्डर ले सकते हैं, अपने क्लाइंट से बात कर सकते हैं रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, और बाकी टाइम में आप कुछ दूसरा सोच सकते हैं, क्योंकि बिजनेस में आप स्टेगनेंट अगर हो जाएंगे तो बिजनेस फिर बिजनेस नहीं रहेगा, वो एक एक्टिव काम हो जाएगा और उससे आप बाहर नहीं आ पाएंगे और उसको एक बहुत बड़े लेवल पे नहीं लेके जा सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 10 तरीके का बिजनेस खोलिए, पर बिजनेस में, एक ही बिजनेस में बहुत सारे टाइप हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप के काम हो सकते हैं। शायद आप छोटे A4 साइज में प्रिंट करते हैं, आप थोड़ा बड़ा सोच सकते हैं, उसके बाद बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट प्रिंट करने का सोच सकते हैं। जो एडवर्टाइजमेंट प्रिंट कराने के लिए शायद आप बाकी लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता था पहले, वो आप घर के पास लेके आ गए, फिर उससे आपने बहुत बड़ा अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो पहली बात तो माइंड को फ्री रखिए और चीज़ों को ऑटोमेटेड करिए ताकि आपका जो पार्टिसिपेशन है बिजनेस में वो कम हो जाए। तो आप सोचेंगे कि फिर मेरा फ्री टाइम में क्या होगा। फ्री टाइम में आप फिर उसी बिजनेस का एक और पार्ट खोलने की सोचिए, उसमें टाइम दीजिए, क्योंकि ये तो ऑटोमेटेड है, हो ही गया है, इसको आप मॉनिटर कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ से भाग रहे हैं। तो इस तरीके से जो है, पहली बात तो ऑटोमेटेड करने की ज़रूरत है। दूसरे एक चीज़ होता है कि जो आपको रिच बनने में बाधा डालते हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं, आपका धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, फिर भी आप रिच नहीं बन पा रहे, इसका एक और रीज़न ये होता है कि आप सेव नहीं करते हैं। देखिए, कोई भी इनकम आता है, आप मंथ के एंड पे एक कैलकुलेशन कीजिए कि आपको कितना इनकम हुआ। बिजनेस में ऐसा नहीं होता है कि हर महीने एक परमानेंट इनकम आता है, कभी कम आता है, कभी नेगेटिव में आता है, कभी ज़्यादा आता है। मतलब आपने अगर सेल करते गए कुछ पैसा बाज़ार से उठाया नहीं, तो उस समय में आपको तो मुनाफा नहीं दिखेगा उस मंथ पे। पर जो भी है, एक कैलकुलेशन कीजिए कि मेरा कितना खर्चा हुआ और मुझे कितना इनकम हुआ। तो जो भी इनकम हो आ रहा है उससे 20% पैसा आप खुद के लिए सेव कीजिए, उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं ताकि ग्रो करे। इन्वेस्ट करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ सेव करना आज के डेट में काफ़ी नहीं है। आज के डेट में इन्फ्लेशन इतना हाई है, अगर आप कहीं पे सेव कर रहे हैं और वहाँ पे 6-7% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो फिर वो काफ़ी नहीं है, वो पैसा आपका ग्रो नहीं करेगा। तो उस पैसे को इन्वेस्ट करना सीखिए, किस तरीके से इन्वेस्ट किया जा सकता है, और इसको बहुत लंबे टाइम तक आप स्केल कर सकते हैं। मतलब आज 20% कर रहे हैं आपका इनकम का, और ये हर महीने अगर आप करेंगे तो 2-3-4 साल 5 साल में एक ये बहुत अच्छा आदत बन जाएगा। मेरे कहना है 3-4 महीने में एक आदत बन जाएगा आपका, और
ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल पर्सनल फाइनेंस की मैटर है कि पहले खुद को पे करना सीखिए। मंथ के एंड पे आप जब इनकम कैलकुलेट करें तब पहले खुद के लिए खर्च करें, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको उससे एंथुसियास्ट मिलता है कि हाँ मैं थोड़ा और काम करूँ, मुझे और इनकम मिले, ताकि मैं मंथ के एंड पे मुझे ज़्यादा पैसा मिले मेरे लिए। दूसरी बात है कि आप मार्केटिंग नहीं करते हैं। देखिए, मार्केटिंग कहा जाता है एक बिज़नेस का ऑक्सीजन होता है, जो आपका बिज़नेस को बचा के रखता है। तो मार्केटिंग में आप जो भी इनकम आ रहा है आपका, 10% कम से कम खर्च कीजिए। ठीक है, आप प्लेकार्ड बनाइए, आप कहीं पे भी इसका एडवर्टाइजमेंट करें। अगर आप लोकल बिजनेस में हैं तो लोकल में ही आप इसका प्रचार कीजिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों को इसका कार्ड दीजिए, कभी कभी थोड़ा बहुत गिफ्ट दीजिए, जहाँ पे वो लिखा रहेगा कि हाँ ये यहाँ पे ये काम मिलता है। आपका कोई भी बिजनेस हो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। तो मार्केटिंग एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है। अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं 10% अपने इनकम का, तो वो बहुत है, बहुत है, तो ये ज़रूर करें। दूसरी चीज़ है मैनेजमेंट। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि आप बिज़नेस को ऑटोमेटेड करने के बाद आपको सिर्फ मॉनिटर ही करना है, तो मैनेजमेंट तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप सारा की चीज़ छोड़ देंगे अपने वर्कर्स के ऊपर, फिर बिज़नेस आपका ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। बिज़नेस का हर एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे कौन सा चीज़ नीचे जा रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, उसे कैसे ज़्यादा करें, अगर कहीं कोई गलती हो रहा है तो उसको ठीक कैसे करना है, ये सब सोचना ज़रूरी है। क्योंकि मैनेजमेंट इज़ द हार्ट ऑफ द बिज़नेस, तो मैनेजमेंट के बारे में भी सोचिए। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि बिज़नेस में आप जितना वैल्यू डिलीवर करेंगे, सोसाइटी में जितना आप वैल्यू डिलीवर करेंगे उतना आपको मनी इनकम होगा। ये एक गोल्डन रूल होता है, कोई भी बिज़नेस में है आप जितना वैल्यू देंगे ना सोसाइटी को, आपका इनकम भी उतना ही होगा। तो ये सब चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे, अपने बिज़नेस को ऑटोमेटेड करेंगे, मार्केटिंग में खर्च करेंगे, थोड़ा बहुत सेव करेंगे, और सेविंग को इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि इन्वेस्ट से ग्रो होता है पैसा, ये सब चीज़ मानेंगे तो आपका बिज़नेस भी आगे बढ़ेगा, और उसके साथ साथ आपका सेविंग्स बढ़ने के साथ साथ आप रिच भी बहुत जल्दी बन जाएंगे। तो दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिए, और अपने बिज़नेस को कैसे ग्रो किया जाए इसके बारे में हमेशा सोचिए, और एक अच्छी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ चले जाइए, और इस लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करें। थैंक यू।